तुम लोग हमारा बाप हो, बापो हो, मना करोगे? बाप चला भागो। नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के एक ऐसे विधायक हैं जिन्हें अपनी बोली पर लगाम नहीं, जब भी बोलते हैं कुछ उल्टा सीधा निकल ही जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल की। इनकी एक वीडियो खूब वायरल हो रही है जिसमें ये जनाब खुलेआम बंदूक लहराते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ तो नेताजी से पत्रकार सवाल पूछने लगे। लाजमी है, पत्रकारों का काम सवाल पूछना है, तो सवाल जब पूछने लगे तो जेडीयू विधायक गोपाल मंडल गुस्से से आग बबूला हो गए और पत्रकारों को ही गाली देने लगे। पत्रकारों ने सवाल किया कि आप रिवॉल्वर लेकर अस्पताल में पहुंचे थे, इसी पर विधायक जवाब देते हुए उत्तेजित हो गए। पत्रकारों के सवाल के जवाब में कई धड़ाधड़ गालियां दे डाली, ऐसी गाली जो हम आपको सुना नहीं सकते। अरे चलो चलो उधर चलो भाई, अरे पिस्तौल बात अभी हो है मेरे पास, अभी दिखावे दिखावे पिस्तौल, अभी भी पिस्तौल क्या कहना चाहते हो? सवाल नहीं, हम जैसे है ना बेल्टवा, हम छूट गया, रिवॉल्वर ले लिए, तो वो ये पैजामा में रखे, जैसे सीढ़ी पर कदम रखे ना तो वो हुआ क्या, वो स्लिप कर गया। अरे यार तुम लोग पत्रकार हो क्या हो, हमको मुश्किल लगता है, हम इसमें कमर में रखे जैसे आप विधायक हैं, विधायक को ऐसा काम करता है कि हाथ में पिस्टल लेकर लहराइएगा? हाँ हाँ लहराएंगे, लहराएंगे लहराएंगे लहराएंगे। तुम लोग हमारा बाप हो, बापो हो, मना करोगे? बाप चला भागो। सर आप गाली क्यों दे रहे हैं? जदयू का यही संस्कृति है क्या? जदयू का यही संस्कृति नीतीश कुमार ने सिखाया है क्या? जेडीयू के विधायक की इस तरह की भाषा पर मीडिया वाले घेर कर उसे सवाल पूछने लगे कि क्या जेडीयू की यही संस्कृति है, क्या आप गाली दीजिएगा, गुंडागर्दी करिएगा? इसके बाद गोपाल मंडल बचते हुए भागने लगे। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें घेर लिया और फिर ललन सिंह के मीटिंग हॉल में लेकर चले गए। चलिए आपको पूरा मामला बता देते हैं कि आखिर गोपाल मंडल को इस तरह क्यों भागना पड़ा, किन सवालों से बचना पड़ा और इस तरह से उन्हें गाली क्यों दी। नरेंद्र नीरज उर्फ गोपाल मंडल गोपालपुर से जेडीयू के विधायक है। मंगलवार 3 अक्टूबर की शाम हाथ में रिवॉल्वर लिए वो जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय से अस्पताल में घुस गए थे। विधायक जब अस्पताल में घुसे तो उनके हाथ में रिवॉल्वर को देख लोग भी सकते में आ गए और इसी का कुछ लोगों ने वीडियो बना डाला। हाथ में रिवॉल्वर लेकर अस्पताल में जाने को लेकर ही पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, जिसके बाद वो भड़क गए और ऐसे भड़के की गाली दे डाली, जिस पर पत्रकारों ने फिर से सवाल किया कि क्या जेडीयू में इसी की ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे ही संस्कार है, जिसके बाद वो भागते हुए नजर आए। अब इस पूरे मामले पर, गोपाल मंडल के इस बयान पर, इस व्यवहार पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।